नमस्कार साथियों, एक बार फिर आ गया हूँ मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपके बिजनेस को जब तक ग्रो नहीं करा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ, और उसके बाद मेंटेनेंस करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए एक ऐसा कंसेप्ट कि जो अपन सुनना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूं। जिसके पास पैसे नहीं है ना बॉस, उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। बुरा लगा दोस्तों? हम कोई भी ऐसा एग्जाम्पल याद रखना चाहते हैं जो कि गैरेज से ऊपर उठ गया, जिसने छोटे से कहीं ठेले से वो एकदम आगे बढ़ गया। ऐसे करके हम लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, वो लेजेंड है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम लोग लेजेंड नहीं है, हमारे अंदर भी क्षमता है, लेकिन मैं आपको उपाय बताने वाला हूं ना, आखिरी तक जरूर सुनिएगा। मैं बोलना क्या चाहता हूं इस पे ध्यान दीजिए कि दोस्तों 99.99% नया बिजनेस फेल हो जाता है। रीजन, कैपिटल की कमी, गलत तरीके से पैसे इस्तेमाल करना। मैं आपको बताऊं, मेरे निधि वाले वीडियो में आप देखेंगे, मेरी निधि वाली वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है, आप जरूर देखिए, बिजनेस आपको करने में काम आएगा। उसके अगेंस्ट में मेरे पास बिहार से एक बंदे का कॉल आया, भाई ने पूछा कि सर मैं ना मेरी निधि में लॉस हो रहा है, मेरे पास पूंजी की कमी है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कितने पैसे आपने लगाए? तो उन्होंने कहा कुछ 50 लाख या 1 करोड़, ऐसा कुछ फिगर उन्होंने बताया। मैंने कहा 50 लाख या 1 करोड़ रुपए आपने लगाए हैं और उसके बाद भी लॉस हो जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता बॉस, निधि में लॉस नहीं हो सकता। बोले नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं मामला क्या है, कि सर एक्चुअल में जितना पैसा मुझे लगाना चाहिए मैंने वो लगाया नहीं, मैंने 2-5 लाख रुपए लगाए, 50 लाख पब्लिक से ले लिए, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, साइट बनवा लिया, ये सब करके ही मैंने 10-15-20 लाख खर्च कर दिए, बाकी बचे 30 लाख को भी मैं ठीक टाइम पर इन्वेस्ट नहीं कर पाया, सही लोगों को लोन नहीं दे पाया, प्लानिंग की कमी रही, और अब मैं पूरे लॉस में हूं और मैं फंसने वाला हूं, सर आप मेरा कोई इन्वेस्टर दिलाकर हेल्प कर दो। पहले तो पूछना चाहिए, पता कर लेना चाहिए, किसी चीज में कूद रहे तो फिर सही कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए। आपको किसी पे विश्वास करना होगा, कोई भी बात बुरी लगे तो मैं आपको झकझोरने के लिए बात कह रहा हूं, ना कि बुरा लगे इसके लिए। तो दोस्तों अगर पूंजी नहीं है, उधारी में काम मत करिए। फाइनेंस का भी एक प्रिंसिपल है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है चल पूंजी होती है, उसको अचल चीजों में कभी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगर आपने 50 लाख रुपए लिए थे तो उसको लोन पे ही बांटना था, कम सस्ते वाले किराए वाले जगह पे बैठ के डेस्क भी किराए पे लेते, लेकिन अगर लोन के पैसे को लोन पे बांटते तो 100% आप प्रॉफिट कमाते। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद बिजनेस आप ओपन करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, अपने अंदर हाई स्किल जनरेट करिए इनकम के लिए, इसको मैं हाई इनकम स्किल बोलता हूं। अगर आप अपने अंदर हाई इनकम स्किल जनरेट कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी बिजनेस करिए, आपके बिजनेस प्लानिंग भी जबरदस्त होने वाली है, आपके पास पैसा भी बहुत आएगा। ये हाई इनकम स्किल को जानने के लिए मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहला एक इंडस्ट्री स्किल होता है, और दूसरा एक जॉब स्किल होता है, और एक हाई इनकम स्किल होता है। इंडस्ट्री स्किल क्या होता है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंडस्ट्री है, राइट? जैसे डॉक्टर इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग एक इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चर एक इंडस्ट्री है, वो एक इंडस्ट्री है। अगर मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो गया, बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो मैं उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं। जॉब में अगर मैंने कुछ अच्छी ट्रेनिंग ले ली और जबरदस्त तरीके से मैं अपने एम्प्लॉयर को हेल्प करता हूँ, जो भी मेरा जॉब पोर्टफोलियो हो उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे अंदर जॉब स्किल बहुत अच्छा आ गया और मुझे पैसे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मैं हाई इनकम स्किल में आने से पहले आपको बता दूं कि ये जब भी इन्फ्लेशन होता है या इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तब ये जो दोनों चीजें हैं ना, वहां पर हम लोग सीधा बैक हो जाते हैं। बैक हो जाते हैं का मतलब ये कि जॉब से निकालने लगते हैं लोग, पैसा कम कर देते हैं। अगर जॉब से सीधा बाहर हो गए, हाई इनकम जॉब में अगर आप हो, तो इसका मतलब 500 फॉर्चून कंपनीज में कहीं पे काम कर रहे हो, तो वहां से अगर सीधा निकाल दिए तो हमको किसी नॉर्मल कंपनी में उतने पैसे और उतना रुतबा नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब हाई इनकम जॉब रिस्की है, इंडस्ट्री पे भी रिस्क होता है, तो उसके कारण भी इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं पे डाउट आ जाता है। इनकम का एक लिमिटेशन हो जाता है कि इतने ही क्लाइंट हैं,
कंसल्टेंट बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन हाई इनकम स्किल क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि अगर पैसे नहीं हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तीन उपाय हमने बताया कि भाई तीन तरीके से हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, वो है जॉब स्किल, इंडस्ट्री स्किल और हाई इनकम स्किल। जॉब स्किल और इंडस्ट्री स्किल आपने इस वीडियो में देखा, हाई इनकम स्किल नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे।